यहां पर भाई हो, अगर आपको 10,000 रुपया के अंदर एक सबसे बेस्ट एंड सबसे बेहतरीन कैमरा फोन परचेस करना है तो यहां पर आप एकदम सही वीडियो पर एंड करेक्ट वीडियो पर क्लिक किए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स अंडर 10,000 बजट। जी हाँ भाई, पांचों फोन्स का मैं आपको नाम बताऊंगा जो अभी के टाइम में आपको 10,000 रुपये के अंदर सबसे बेहतरीन सबसे बेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना अगर आपको 10,000 बजट के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा फोन चाहिए। तो उससे पहले भाई चैनल पर नहीं आ रहे हो और ऐसे ही फोन्स के वीडियो फ्यूचर पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हो तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है भाई उसका जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि टॉप 5 ऐसे ही कैमरा फोन्स के वीडियो आपको फ्यूचर पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो जो फोन्स का मैं आपको नाम बताऊंगा वो एकदम अंडर 10,000 है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, कमाल के आज की इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 5 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई, ये 10,000 रुपये के अंदर काफ़ी बेहतरीन यानी काफ़ी बेस्ट कैमरा फोन हो जाता है। यहाँ पर इसका कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है इसके प्राइस के अनुसार। जी हाँ भाई, इस डिवाइस का नाम है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 4G। जी हाँ, इन्फिनिक्स नोट 12 4G वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन हो जाता है 10,000 रुपये के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। उसके साथ साथ इसके डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 3 का सपोर्ट मिलता है, 8.03 mm का थिकनेस मिलता है एंड उसके साथ साथ 184 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। इसकी भाई प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G88 का पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलता है, जो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाता है। अब दोस्तों इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 33 वाट के चार्जर के साथ। इस डिवाइस की भाई कैमराज की बात करें यानी कैमराज की बात करें तो 50 MP का मेन कैमरा एंड 2 MP का आपको मैक्रो सेंसर मिलता है इसके अंदर एंड सामने यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है इन्फिनिक्स नोट 12 4G डिवाइस के अंदर। अब दोस्तों इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जो बहुत ही बेहतरीन है। नाइट मोड का फीचर मिलता है, सुपर स्लो मोशन का फीचर मिलता है एंड डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है डॉल्बी एटमॉस की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 12 4G डिवाइस के अंदर। अब दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है वो फ्लिपकार्ट के अंदर एकदम 10,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 12 4G डिवाइस एकदम 10,000 रुपये के अंदर आपको फ्लिपकार्ट अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको 10,000 के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन कैमरा फोन चाहिए तो इसको आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर 4 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है ये भाई मोटो की तरफ से। जी हाँ, मोटोरोला की तरफ से ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन हो जाते हैं अभी के टाइम में 10,000 बजट के अंदर। जी हाँ भाई, इस डिवाइस का यहाँ पर नाम है Moto G32। जी हाँ, Moto G32 काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन होता है यानी काफ़ी बेहतर कैमरा स्मार्टफोन हो जाता है 10,000 बजट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, 8.99 mm का थिकनेस मिलता है एंड 184 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G प्रोसेसर मिलता है, जो बहुत ही बेहतर बात हो जाता है। इसके बाद बैटरी इसकी बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 30 वाट के चार्जर के साथ। अब दोस्तों इस डिवाइस की कैमराज की बात करें तो 50 MP का आपको मेन कैमरा मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है एंड सामने यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है Moto G32 डिवाइस के अंदर। अब दोस्तों इसकी मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो नाइट मोड का फीचर मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है डॉल्बी एटमॉस की तरफ से एंड फाइनली बात करें प्राइस की तो इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है फ्लिपकार्ट के अंदर आपको एग्जैक्टली एकदम 10,000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, Moto G32 डिवाइस एग्जैक्टली 10,000 रुपये के अंदर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको एक मोटो का बहुत ही बेहतरीन कैमरा फोन चाहिए 10,000 बजट के अंदर तो जरूर से इसको आप परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पर नंबर 3 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है ये रेडमी की तरफ से। जी हाँ भाई, रेडमी का फोन है, रेडमी की तरफ से ये है, पर 10,000 रुपये के अंदर सबसे बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन हो जाता है ये डिवाइस। ठीक है ना भाई, इस डिवाइस का नाम है Redmi 10। जी हाँ, Redmi 10 काफ़ी बेहतरीन डिवाइस हो जाता है 10,000 रुपये के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.71 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। इसके डिज़ाइन की बात करें तो रियर माउंटेड आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 9.13 mm का थिकनेस मिलता है एंड 203 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। इसके बाद प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G प्रोसेसर मिलता है,
बैटरीज की बात करें भाई तो 6000 mAh का आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलता है 18 वाट के चार्जिंग के साथ। कैमरा की बात करें तो 50 MP का मेन कैमरा मिलता है, 2 MP का आपको मैक्रो या फिर डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है एंड सामने यहाँ पर आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है रेडमी 10 डिवाइस के अंदर। आप दोस्तों इसकी मोर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसके कैमरा के अंदर आप फुल HD पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे यानी 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, नाइट मोड का फीचर मिलता है एंड डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट आपको मिलता है। आप दोस्तों फाइनली बात करें प्राइस की तो फ्लिपकार्ट के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको 9500 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, रेडमी 10 डिवाइस 9500 रुपये के अंदर काफ़ी बेहतरीन कैमरा फोन हो जाता है। तो अगर आप एकदम 10000 रुपये अफोर्ड कर नहीं पाए हो, आपके पास सिर्फ 9000 रुपये या फिर 9500 रुपये है तो डेफिनेटली इसको आप परचेस कर सकते। तो यहाँ पर नंबर 2 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है भाई ये रियलमी की तरफ से। जी हाँ, अगर आपको रियलमी का एक बहुत ही बेहतर कैमरा फोन चाहिए 10000 रुपये के अंदर तो ये वाला डिवाइस आपके लिए काफ़ी बेहतर चॉइस होने वाला है। जी हाँ भाई, इस डिवाइस का अपन नाम है रियलमी नार्जो 50। जी हाँ, रियलमी नार्जो 50 काफ़ी बेहतर कैमरा फोन हो जाता है 10000 बजट के अंदर क्योंकि यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। आप दोस्तों इसके डिज़ाइन की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, 8.5 mm का थिकनेस मिलता है एंड 194 ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है। अब प्रोसेसर की बात करें भाई तो MediaTek Helio G96 एक पावरफुल प्रोसेसर आपको मिलता है, बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर आपको मिलता है MediaTek की तरफ से। इसके बाद बैटरी लाइफ की बात करें तो 5000 mAh का बैटरी मिलता है 33 वाट के चार्जर के साथ। कैमराज की बात करें भाई तो 50 MP का मेन कैमरा, 2 MP का मैक्रो एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है पीछे यहाँ पर एंड सामने यहाँ पर आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। आप दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें यानी मोर फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको रियलमी UI 2.0 के साथ एंड्रॉयड 11 पर यह डिवाइस देखने को मिलेगा, रैम एक्सटेंशन का फीचर मिलता है एंड डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट आपको मिलता है इस डिवाइस के अंदर। अब दोस्तों फाइनली इसकी प्राइस की बात करें भाई तो देखो इसका प्राइस 10000 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा है यानी थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है 10000 रुपये से। तो ऑफर के अंदर परचेस करोगे तो ये आपको आराम से 10000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, अमेजोन के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको 13000 रुपये, जी हाँ भाई 13000 रुपये के अंदर इसका 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस यहाँ पर 3000 यानी 3000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो जब भी कोई ऑफर आएगा अमेजोन के अंदर या फिर फ्लिपकार्ट के अंदर तो इसको परचेस कर लेना। ऑफर के अंदर आपको 10 से 10,500 रुपये के अंदर रियलमी नार्जो 50 डिवाइस आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको बेस्ट बाइंग लिंक भाई देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भाई नंबर 1 पे जो आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है ये भाई 10000 बजट के अंदर यानी 10000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट कैमरा फोन हो जाता है। जी हाँ भाई, इसका कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन काफ़ी औसम है इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। जी हाँ भाई, यहाँ पर ये आपको सैमसंग की तरफ से देखने को मिलता है। जी हाँ भाई, आपको पता ही होगा सैमसंग के फोन्स के कैमरा सबसे बेहतर होता है सैमसंग की तरफ से। तो इस डिवाइस का अपन नाम है सैमसंग गैलेक्सी F13। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी F13 सबसे बेहतरीन कैमरा फोन हो जाता है 10000 बजट के अंदर क्योंकि यहाँ पर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले मिलता है जो बहुत ही बेहतरीन बात हो जाता है। इसके बाद डिज़ाइन की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको सपोर्ट मिलता है, 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है, उसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, 9.3 mm का थिकनेस मिलता है एंड 207 ग्राम का आपको वेट मिलता है। आप दोस्तों इसकी प्रोसेसर की बात करें तो 8950 का प्रोसेसर मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो 6000 mAh का आपको बड़ा बैटरी मिलता है 6000 mAh का 15 वाट के चार्जर के साथ। अब दोस्तों इसका जो मेन चीज़ है कैमरा, जी हाँ भाई कैमरा की बात करें तो 50 MP का बहुत ही बेहतरीन 50 MP का सैमसंग का कैमरा मिलता है, उसके साथ साथ 5 MP का मैक्रो मिलता है एंड 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है एंड सामने यहाँ पर आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी F13 डिवाइस के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स वन UI के साथ एंड्रॉयड 12 पर यह डिवाइस आपको देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट मिल जाएगा इस डिवाइस के अंदर। आप दोस्तों फाइनली बात करें इसकी प्राइस की तो इसका भी प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको भी अगर आप ऑफर में परचेस करोगे तो आराम से 10000 रुपये के अंदर यह डिवाइस आपको मिल जाएगा। जी हाँ भाई, फ्लिपकार्ट के अंदर इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट है वो आपको भाई एकदम 12000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, इसका प्राइस 2000 रुपये ज़्यादा है 10000 रुपये से। तो अगर आपके पास 12000 रुपये है तो डेफिनेटली इसको परचेस कर लेना क्योंकि इसका जो कैमरा क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। और अगर आपको ये डिवाइस 10000 रुपये के अंदर चाहिए तो फ्लिपकार्ट के अंदर जब भी कोई ऑफर आएगा ऑफर के अंदर आप परचेस कर लेना।
आपको एकदम एग्जैक्टली 10,000 रुपए के अंदर ये सैमसंग गैलेक्सी F13 डिवाइस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे 10,000 रुपए के अंदर सबसे बेहतरीन एंड सबसे बेस्ट कैमरा फोन कौन सा हो जाता है। तो जो पांचों फोन का मैं आपको नाम बताया, इन पांचों में से किसी एक फोन को परचेस करना भाई जी हाँ, ये पांचों के पांचों बेस्ट है। तो आपका जो बजट है आपके बजट के अनुसार इन पांचों में से किसी एक फोन को परचेस जरूर से कर लेना भाई। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ साथ आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर जरूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए 10,000 बजट के अंदर सबसे बेहतरीन कैमरा फोन कौन सा हो जाता है, ठीक है ना। उसके साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी आप जरूर से ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोज आपको फ्यूचर पर बहुत सारे मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल दोस्तों आज का ये वाला वीडियो बस यार इतना ही।